हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट। देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने 3 कलर की वूल ली है और 8 नंबर सलाई ली है। और देखिए, यहाँ पे मैंने इसमें लाइनिंग डाली हुई है और यहाँ पे प्लेन कली डाली हुई है। तो इस तरह से मैंने ये 4 कली में बना के कम्प्लीट किया है और लास्ट में ये इतना यहाँ से यहाँ तक सिला हुआ है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 24 फंदे मैंने ले लिए हैं, 24 फंदे, 8 फंदे मैंने येलो से डाले हैं और 16 फंदे मैंने रेड से डाले हैं। आप अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 10 फंदे येलो कलर से ले लें और 20 फंदे ये वाले रख लें, तो 30 फंदे का ये बन जाएगा। आप अपने हिसाब से फंदे ले सकते हैं, यहाँ के हिसाब से यहाँ के फंदे दुगने होने चाहिए तो ये आपकी डिजाइन सेट हो जाएगी इसमें। और देखिए, फर्स्ट रो से ही ये डिजाइन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ पे हमने 14 फंदे बुने। और देखिए, ये 2 फंदे हम येलो से बुन लेंगे, बुल को हम ऐसे कर लेंगे इस तरफ और यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ से ये ज्वाइंट हो गया। अलग अलग फंदे डाले थे मैंने दोनों कलर से, 2 फंदे मैंने रेड बना लिए। उसके बाद देखिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये देखिए, और ये 9 फंदे मैंने बुने। यहीं से हम पलट लेंगे इस तरह से, पूरी रो ऐसे ही बना लेंगे। इसको हम ऐसे क्रॉस करा देंगे इस तरफ, इसको आगे लाएंगे रेड को, यहां से हम सभी फंदे हम रेड से बना लेंगे ऐसे। तो ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, इधर से मैंने रो कंप्लीट कर ली। पलट लेंगे सिलाई को, इधर से इस फंदे को उतार लेंगे, वूल को इधर करेंगे और देखिए यहाँ से 1, 2, 1 उतार लिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फंदे हमने बुने। 2 मैंने इससे बनाने हैं, देखिए ऐसे करके यहाँ से येलो से 2 मैंने बना लिए। उसके बाद देखिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 फंदे हमने बुन लिए, यहीं से पलट लिया। इधर की हम रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे जो जैसा है उसको हर सलाई में सीधे तरफ से ऐसे ही बुनना है। ये देखिए, सिर्फ इसको क्रॉस कराना है इस तरह से, ये ऊपर के से जाएगा, ये नीचे की तरफ से ऐसे कर लेंगे। इधर से हम पूरी रो ऐसे ही उल्टा बुनते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, इधर से हम बना लेते हैं, उस साइड से उतार लेते हैं। ये देखिए, आप देखिए इसी तरीके से हम 2-2 फंदे इधर से लेते हुए और 1-1 फंदा येलो का छोड़ते हुए यहाँ पे हम 8 फंदे छोड़ देंगे। अभी देखिए, 1 और 2 फंदे मैंने छोड़े हैं और इसी तरीके से हम यहाँ पे टोटल 8 फंदे छोड़ेंगे जो मैंने येलो के डाले हैं वो, और ये रेड वाले 2-2 करके यहाँ तक हम कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे। ये देखिए, 2-2 फंदे रेड में से येलो से लेते हुए लास्ट तक मैंने बना लिया। तो 16 फंदे जो मैंने लिए थे वो सभी येलो कर लिए मैंने, और यहाँ पे देखिए 8 फंदे 1-1 करके मैंने छोड़ दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से आपको फंदे लेने हैं और ऐसे ही आपको छोड़ने हैं। यहाँ पे 8 फंदे छूट गए, 16 फंदे रेड हो गए। अब देखिए, हम यहाँ से तीसरा कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ से देखिए, हम जो 8 फंदे छूटे हैं उन्हीं तक करेंगे। तो 1-1 मैंने बना लिया, ये
तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। 15 फंदे हमने बुने और एक फंदा फिर से छोड़ दिया, तो यहाँ पे देखिए 9 फंदे छूट गए इस रो में। 8 पहले छोड़े थे, एक अब छोड़ दिया। यहीं से अब हम इसको पलट लेंगे और यहाँ पे हम पूरी रो ऐसे ही बना लेंगे। दोनों तरफ से इसको ऐसे ही अब बुनना है, उल्टा उल्टा। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए हम यहाँ से एक कलर और ऐड करेंगे इसमें, तो ये पीच कलर ले रही हूँ, आप अपने ये देखिए यहाँ से हमने ये पीच कलर लगा लिया। और देखिए ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 फंदे बुने, एक बिलू छोड़ दिया। यहीं से हमने पलट लिया इस तरह से। देखिए आप देखिए हम इसी तरीके से दो दो रो डालते हुए इसको बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से, इधर एक फंदा छोड़ते हुए इधर ये दो दो रो बनाते हुए हम लास्ट के 2 फंदे तक इसको बनाएंगे। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे रह जाएंगे जब हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए लास्ट के 2 फंदे तक हमने इसको छोड़ दिया है। अब देखिए हम यहाँ से एक फंदा उतारेंगे बूल अपने तरफ, जो बूल से ये 2 फंदे छूटेंगे उसी से हम ये देखिए इस तरह से सारे फंदे बना लेंगे जहां तक हमने ये 2 कलर लगाए हैं। ये देखिए ऐसे, ये देखिए सिर्फ यहीं तक हम लगाएंगे जहां तक हमने ये 2 कलर रखे हैं। तो देखिए यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 × 2 = 14, 15 15 फंदों में मैंने ये यहीं से हम पलट लेंगे और इधर की रो हम ऐसे ही बना लेंगे पूरी उल्टी। ये देखिए ये देखिए अब देखिए हम यहां से पहले ये देखिए पीच कलर की रो आ रही है, तो हम इस पीच कलर से ही 2 फंदे बुनेंगे, 1 और 2। वापस यहीं से हम पलट लेंगे ऐसे। ये देखिए इधर से भी हमने इनको बना लिया, यहीं से हम पलट लिया। अब देखिए हम ब्लू कलर लगा लेंगे, तो यहाँ से 1 और 2, 1 हम आगे से ले लेंगे, ये देखिए यहीं से पलट लेंगे। अब हम फिर से पलटेंगे इसे, यहाँ से कलर को हम चेंज करेंगे, 1, 2, 3, 1 हम आगे से लेंगे, 4। वापस यहीं से पलट लिया इसको, ये देखिए इस तरह से। अब हम यहां से फिर से ब्लू कलर ऐड करेंगे, 2, 3, 4, 1 आगे से लेंगे, 5। वापस फिर से पलट लेंगे, इधर की रो ब्लू से बना लेंगे ऐसे। अब देखिए हम इसी तरीके से इसको बुनेंगे, यहाँ पे उल्टे तरफ से 2-2 कलर चेंज करके सिलाई, उसके बाद हम एक एक फंदा लेते हुए यहाँ तक हम बना लेते हैं, फिर आगे का हम आपको दिखाते हैं।
ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है, दो दो रो बनाते हुए एक एक फंदा लेते हुए, ये 15 फंदे तक हमने इसको बुन लिया। अब देखिए हम ये वाली डिजाइन डालेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ से येलो कलर ऐड करेंगे और ये रो हम यहाँ तक येलो कलर से बुनेंगे। ऐसे देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। ये देखिए अब यहाँ पे गैपिंग होगी तो हम उसे भरेंगे। यहाँ पे कोई गैपिंग नहीं हुई क्योंकि एक रो हमने निकाल दी थी, तो ये इसलिए। अब देखिए हम गैपिंग को इस तरह से भरेंगे, एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, एक यहाँ से उठाएंगे और एक आगे से लेंगे, तो तीन का एक कर देंगे यहाँ पे। देखिए तो गैपिंग ये भर गई है, यहीं से अब हम पलट लेंगे। अब हमारे पास 16 फंदे हो गए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। ये देखिए इस तरह से ये 16 फंदे ऐसे मैंने ले लिए। ये देखिए अब देखिए यहीं से हम ये रेड कलर को ऐड करेंगे, तो दो फंदे हम यहाँ पे रेड से बुन लेंगे, एक और दो। उसके बाद हम सभी फंदे यहाँ से येलो से बुनेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। और देखिए एक हम आगे से लेंगे और देखिए फंदा हम उठाएंगे, एक इस रो में से और एक इस रो में से, एक फंदा आगे से लेंगे ऐसे, तीन का एक कर देंगे। तो एक फंदा ये मैंने ले लिया, यहीं से पलट लिया ऐसे। पूरी रो हम इधर से भी ऐसे ही बुनेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम इधर कर देंगे, रेड को आगे लाएंगे, दो फंदे हम रेड से बुनेंगे, एक और दो। और देखिए यहाँ से अब हम इसको उतारेंगे, बूढ़े दर करेंगे और यहाँ से देखिए दो फंदे ये हैं। अब दो हम और लेंगे, तो देखिए पहले हम ये इस तरफ ऊपर के साइड गए, इसमें इधर को आएंगे अंदर के साइड, ये देखिए। तो हम दो फंदे और लेंगे इसमें से येलो वाले रेड से, तो चार हो गए हमारे पास। अब देखिए यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरह फंदे मैंने ले लिए। अब देखिए एक फंदा हम आगे से लेंगे, तो एक फंदा ये उठाएंगे और एक यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से हम तीन का एक कर लेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से, देखिए अब हम यहीं से पलट लेंगे, पूरी रो अब हम ऐसे ही इसी कलर से बुन लेंगे। इसको ऐसे क्रॉस करा देंगे, ये वाला आगे लाएंगे, चार फंदे हम रेड से बुन लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हम दो फंदे रेड के करते हुए और यहाँ से एक फंदा लेते हुए लास्ट में हमारे पास एक फंदा जब रह जाएगा, जब मैं आपको दिखाऊंगी, तो मैं इतना कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक सभी फंदे ले लिए हैं, तो ये कली पूरी हो गई। आठ फंदे मेरे पास येलो हैं और 16 फंदे रेड हैं। अब देखिए हाफ कली यहाँ पे बनी है इस तरह से, अभी हाफ ये बनी है, तो अब जब ये वाली कली दूसरी बनेगी तो ये वाली कली ये पूरी हो जाएगी।
लास्ट में आके जब ये चार कली में पूरा होगा तो हाफ कली एंड में बनेगी ये वाली, तो ये वाली पूरी होगी। तो इस तरह से अब देखिए हम यहाँ से दो दो फंदे येलो के ऊपर के साइड ले जाएंगे, जैसे हम यहाँ पे ले गए थे। ये मैंने फंदे डाले थे, आठ फंदे मैंने येलो के, आठ रेड के, उसी तरीके से सेम अब बनेगी। तो मैं थोड़ा सा और आपको बताऊंगी। तो देखिए ये मैंने एक फंदा उतारा, दो, यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट हो रही है, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, चौदह फंदे हमने बुने, दो फंदे हम ये येलो से बुन लेंगे, सोलह में से। ये देखिए दो बना लिए, उसके बाद देखिए तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, नौ फंदे मैंने ये बुन लिए, एक बिना बुने छोड़ दिया। यहीं से अब हम पलट लेंगे। ये देखिए, तो देखिए इस तरह से ये इस साइड से कली ऊपर के साइड स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ से हमने पलट लिया, यहाँ से जो जैसा है उसको हम वैसे ही बुन लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसको हम ऐसे क्रॉस कराएंगे, इसके ऊपर से ऐसे आगे लाएंगे। तो यहाँ से हम पूरी रो अब ये रेड से बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ऐसे। अब देखिए इसी तरीके से हम दो दो फंदे रेड वाले येलो से बनाते हुए यहाँ पे एक फंदा छोड़ते हुए, एक मैंने छोड़ दिया, उसके बाद अब दूसरा छूटेगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे आठ फंदे छोड़ेंगे, सभी फंदे येलो से कर लेंगे, फिर देखिए ये वाली डिजाइन डालेंगे। तो ऐसे डाल के फिर इस तरह की, तो सेम इसी को रिपीट करते जाना है आपको। तो यहाँ से ये दूसरी कली स्टार्ट हो गई है, इसी को रिपीट करते हुए पूरा हम कम्प्लीट करके फिर दिखाएंगे आपको। ये देखिए इस तरह से ये बन के कम्प्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए हाफ कली इधर आई है बन के, हाफ ये स्टार्टिंग में बन जाती है। तो इस तरह से देखिए चार कली ये प्लेन आ गई और चार ये डिजाइनर आ गई। तो अब ये कली पूरी हो गई। देखिए आठ फंदे हमारे पास येलो बचे हैं और सोलह फंदे ये बचे हैं। तो अब देखिए हम यहाँ से सभी फंदे बंद कर देंगे, दो का एक करते हुए इनको हम क्लोज करेंगे। येलो के फंदे हम येलो से ही बंद करेंगे, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, और देखिए आठवां फंदा हम बंद करेंगे। तो हम बूल को पीछे के साइड कर देंगे और यहाँ से इस वाले को आगे के साइड ले आएंगे, रेड वाले को, क्योंकि हमें आगे के फंदे रेड से करने हैं। इस तरह से अब इसको हम टाइट कर देंगे और बाद में नॉट लगा देंगे। पूरी रो हम ऐसे ही बना लेंगे। इस तरह से इस तरह से हम सारे फंदे बंद करते हुए जाएंगे। ये देखिए, अब देखिए सभी फंदे बंद हो गए। अब हम इस बूल को कट करेंगे, तो थोड़ा दूर से करेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे सिलने हैं ऐसे। ये इसको हम खींच देंगे और देखिए इस वाली बूल को भी थोड़ा लंबा करेंगे ताकि हम इधर को ये सिल सकें। ये देखिए, अब देखिए हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए हम ऊपर के साइड से यहाँ से इसको मिलाते हुए सिलेंगे।
ये वाली बूल है, इसको हम अंदर के साइड करके नॉट लगा के कट करेंगे।